हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। 2021 के एमटीएस के पेपर में हम लोग आज करने जा रहे हैं सेट नंबर 18। ठीक है, 17 सेट हम लोग कर चुके हैं। पिछला वाला सेट हम लोगों ने 17 सेट किया था, आज 18 सेट करने जा रहे हैं। और आज का जो पेपर है वो कब हुआ था, 12 जुलाई 2022 को हुआ था, और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसका मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आप लोगों में से किसने कितना सही किया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग ये हमें बताइए कि पहले वाले डिस्कशन से लेकर के अब तक में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो, लेकिन सबके सब लोग ये मैसेज डालो कि आप लोगों का कितना इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना, जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चंस भी बढ़ने चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर उसके लिए हमसे बात करो, फिर मैं उपाय बताऊँ कि इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और जिन लोगों को पीडीएफ में दिक्कत होती है वो अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो, हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे और उनको पीडीएफ फटाफट मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम हर डिस्कशन के पहले पीडीएफ डालते हैं, वो उनको डायरेक्ट मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं डिस्कशन हम लोग। आज पहला क्वेश्चन है हम लोगों का किस चीज़ से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते हैं ज़रा कि एलिजाबेथ कोई खिलाड़ी है, ब्रिटेन की महारानी की बात नहीं कर रहा। एलिजाबेथ बीट हर राइवल, राइवल का मतलब क्या होता है, जो उसके अगेंस्ट में खेल रहा होता है उसको राइवल कह रहे हैं। एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद द गोल्ड मेडल इन द 2021 समर ओलंपिक्स। तो 2021 के समर ओलंपिक्स ने एलिजाबेथ ने अपने राइवल को हराया था गोल्ड मेडल के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रीपोजिशन की आ रही है। उसने अपने अपोनेंट को, उसने अपने राइवल को हराया था, तो गोल्ड मेडल से हराया था कि गोल्ड मेडल के लिए, विद अगर यहाँ लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साधन, बन जाएगा मीन्स बन जाएगा। ठीक है, तो मीन्स नहीं है बल्कि क्या है, गोल्ड मेडल एम है, गोल्ड मेडल टारगेट है। तो यहाँ जहाँ विद लिखा है उसकी जगह पर क्या होगा, फॉर द गोल्ड मेडल। ठीक है, ना कि विद द गोल्ड मेडल होगा। आंसर कहाँ होगा, ये गलत होगा, आपका आंसर पहला वाला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू पे। क्या क्वेश्चन है ये, साइनोनीम का क्वेश्चन है। साइनोनीम क्या है, ग्रीव। और ग्रीव देखो दो वर्ड होता है, एक ग्रीव होता है और एक होता है ग्रीफ। ठीक है, ध्यान देना, ये जो ग्रीफ है ना, एक्चुअली ग्रीफ नाउन है और ग्रीव जो है वो वर्ब है, समझ गए। तो ग्रीव का मतलब क्या होता है, दुखी होना। ग्रीव का मतलब क्या होता है, दुखी होना। ठीक है, अब सैड हो जाना, दुखी हो जाना। अब दुखी होने के लिए दूसरा कौन सा वर्ड आएगा, टेम का कोई लेना देना नहीं है, टेम का मतलब कंट्रोल करना, कोई रिलेशन नहीं। एश्योर का मतलब होता है एकदम आश्वस्त होना, श्योर होना, ये भी हमारा कोई काम का वर्ड नहीं है। रिजॉइस का मतलब एंजॉय करना, तो ये क्या हो गया, एंटोनीम हो गया। कभी ग्रीव का अपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा, रिजॉइस, तो ये होता है हैप्पी होना, एंजॉय करना, तो ये एंटोनीम हो गया। अब पूछा क्या है, साइनोनीम पूछा है। अब मौर्न का मतलब क्या होता है, मौर्न का मतलब शोक करना, क्या करना, शोक करना। जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो जो लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, उसी को कहते हैं मौर्न, यानी कि शोक करना। दुखी होने का साइनोनिम कौन सा हो जाएगा, मौर्न हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया टू वाला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन थ्री पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, ये है एंटोनीम का क्वेश्चन। एंटोनीम किसका पूछा, इनसेटिएबल का पूछा है। तो सेटिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको संतुष्ट किया जा सकता है। देखिए एक वर्ड है सेटिएट, क्या है, सेटिएट है। सेटिएट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना, क्या करना, सेटिस्फाई करना, या आप कह सकते हो सेटिस्फाई का दूसरा वर्ड फुलफिल करना। ठीक, क्या होगा, फुलफिल करना। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका एंटोनीम ढूंढना है। इनसेटिएबल का मतलब होता है जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। तो देखो इनसेटिएबल ये अर्जेंट तो होगा नहीं, फुलफिल्ड क्या हो गया, ये एंटोनीम हो गया, जिसको आप संतुष्ट कर सकते हैं, जिसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो फुलफिल्ड हो गया। ग्रीडी माने लालची होगा, तो लालची भी संतुष्ट नहीं होगा, तो ये तो सिमिलर में आ जाएगा।
इंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जो एक ही चीज़ पर लगातार जुटा रहता है। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब वही होता है, एक ही चीज़ की जिद किए रहना, रटे रहना। जैसे कोई छोटा बच्चा लेके आप मेले वेले जाइए, तो मेला छोटे बच्चे ने मेले में घुसते ही देख लिया एक लाल लाल गुब्बारा, वहीं से शुरू हो जाता है, मुझे लाल गुब्बारा दिलाओ, मुझे ये लाल गुब्बारा दिलाओ, हिन 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 हम ये लाल गुब्बारा लेंगे, ऐसे जिद कर बैठते। तो उसी को इंसिस्ट कहते हैं, किसी एक ही चीज़ को बार बार रटे रहना दिन भर। तो इंसिस्टेंट उस तरह का आदमी होता है। यहाँ कोई लेना देना है नहीं इसका। दो थे आपके, साइनोनियम और एंटोनियम था। इसमें ग्रेडी क्या हो जाएगा? साइनोनियम हो जाएगा, क्योंकि अगर इनसेटिएबल है तो वो ग्रीडी होगा, लालची होगा, संतुष्ट नहीं होता। और फुलफिल्ड मतलब क्या हुआ? इच्छा पूरी हो गई, संतुष्ट हो गया। साइनोनियम में, सॉरी एंटोनियम में यही आ जाएगा, फुलफिल्ड। ठीक, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है? फिलर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि ग्रीन टी इज़ गुड फॉर, तो ग्रीन टी जो है वो गुड है, अच्छी होती है किसके लिए? फॉर नॉट ओनली हेल्थ, एक चीज़ हो गई, ना केवल हेल्थ के लिए, बट आल्सो फॉर डैश स्किन। तो स्किन के लिए क्या लगाओगे? ग्लोइंग स्किन, जाहिर सी बात है यार, सब लोग गोरा वोरा बनने के लिए, स्किन को चमक दमक वाला बनाने के लिए सभी लोग परेशान हैं। तो ग्लोइंग स्किन सबसे बढ़िया स्किन के लिए एडजेक्टिव यही ग्लोइंग ही है, यही लगाओ। इमोशनल स्किन, इमोशनल होने वाली नहीं है। कॉस्टिक मतलब क्या होता है? काटना। तो कास्टिक क्या होता है? जैसे मैल वगैरह, शर्ट वगैरह में, कॉलर वगैरह में मैल बैठ जाती है, तो उस पर हम लोग सर्फ से या जो धोते हैं वॉशिंग पाउडर से, उसको कास्टिक कहते हैं, जो मैल को काट देता है। तो स्किन कास्टिक स्किन तो होगी नहीं और लेबोरियस स्किन होगी नहीं, तो एक ही चीज़ है यहाँ पर, बस ग्लोइंग स्किन ही है ऑप्शन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये किससे रिलेटेड है? इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आपको स्क्रीन में इसको ऊपर कर देते हैं। अब आप देखिए, लिखा हुआ है कि मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मेजर हब हैं, वो लिखा है इज द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। तो इज किसके लिए लगा हुआ है? मेजर हब्स के लिए लगा हुआ है। तो अब इज को तो अंडरलाइन नहीं किया गया है, इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए? मेजर हब्स की जगह क्या चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहली बात, मेजर हब्स हटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा? तो लगाना पड़ेगा आपको, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, अ मेजर हब ऑफ, यही लग सकता है। मेजर हब बाई, यहाँ बाई नहीं लगेगा, द मेजर्स, ये मेजर्स हब नहीं होंगे। तो एक ऑप्शन बच रहा है आपका अ मेजर हब, क्योंकि हमारी वर्ब सिंगुलर है, इसलिए हमें यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? यही अ मेजर हब है। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी नहीं देखे हैं तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस देख लीजिए, आपका ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर वही इम्प्रूवमेंट की कहानी है। पढ़ो सेंटेंस, लिखा हुआ है माई मदर से सिस्टर। माई मदर से सिस्टर का मतलब ये कौन हो गई? मौसी। ठीक है, चलिए, अच्छा, बड़ा प्यारा सा नाम है, मौसी लोग बहुत मानती हैं। चलिए, तो माई मदर सिस्टर वर्क, पहली बात तो वर्क ये गलत हो गया, क्योंकि मदर से सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब हो गई, एक गलती हो गई। वर्क सिंस 8 आवर्स, ये जो 8 आवर्स लिखा है बच्चा, 8 आवर्स क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है ये? पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग सिंस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो ये सिंस गलत हो गया। तो मतलब हुआ कि हमें वर्क की जगह पर क्या चाहिए? वर्क्स। ठीक है, वर्क्स होगा, और सिंस की जगह क्या होगा? फॉर होगा। ठीक, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस नहीं फार लगाते हैं। तो वर्क्स फार, पहले हमें चाहिए वर्क्स, ये लिखा हुआ है वर्क्स, उसके बाद लिखा है फार। ठीक है, तो यही होगा, यहाँ पे ऑफ लिखा है, यहाँ फार लिखा है, लेकिन वर्क लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट लगा दिया तो गलत हो जाता। आपका आंसर कौन सा होगा? 2 वाला होगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो जिसकी स्पेलिंग गलत है वही बताओ। मिसमैच की स्पेलिंग गलत है, मिसमैच में क्या होगा? पहले तो मिस लगेगा। ठीक, वैसे मिस में डबल एस लगता है, लेकिन जब किसी में जोड़ा जाता है तो एक हट जाता है, एक एस। अब आ जाओ, मैच लिख दो, मिसमैच हो गया। ठीक, अब इसमें ई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यही गलत है। बाकी सिक्योरिटीज़ की सही है, एसेंशियली की सही है, फिस्कल मतलब भी सही है। फिस्कल मतलब क्या होता है? वित्तीय।
ये वित्त से संबंधित होता है, ठीक है, वित्तीय। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। लिखा है स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो किसी इंडिविजुअल की स्टोरी। लिखा है खास बात है रिटन बाय हिमसेल्फ, जैसे ही होगा रिटन बाय हिमसेल्फ वैसे इसमें क्या लग जाएगा, ऑटो। और स्टोरी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है बायोग्राफी, तो ये क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, दूसरे ने लिखी होती तो बायोग्राफी, खुद लिखी है तो ऑटोबायोग्राफी, तो ये हो गया आपका आंसर ऑटोबायोग्राफी। अगर ये रिटन बाय हिमसेल्फ ना लिखा होता तो बायोग्राफी हो जाती, लेकिन ये खुद लिखा है तो इसमें ऑटोबायोग्राफी होगा, बायोग्राफी नहीं होगा। फिर हिस्ट्री ऑफ नॉवेल था तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 किस पर है, ये एरर का क्वेश्चन है, स्लैश बता रहे हैं कि ये एरर का क्वेश्चन है। ठीक, आगे आओ। इंडिया हैज ज्वाइंड, इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल फाइट, ठीक है, अच्छी बात है। क्यों ज्वाइन किया है, अमंग टैक्स इवेजन, इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं टैक्स नहीं देते हैं उसके लिए। तो अमंग लगेगा या अगेंस्ट लगेगा, जाहिर सी बात है कि वो एक अपराध है, तो उसके खिलाफ इंडिया ने ग्लोबल ग्लोबल फाइट को ज्वाइन किया है, तो टैक्स चोरी करने वालों के अगेंस्ट यहाँ लगना चाहिए था, अमंग नहीं। क्लियर, तो आंसर कौन सा हुआ, 2 वाला। अब आ जाओ 10 पर, तो 10 क्या है, देखो वही खाली जगह दिया हुआ है, फिलर विलर है यार। चलो, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। फिर लिखा आई हेट डार्क वंस, यार यहाँ लाइक है यहाँ हेट है, तो दोनों में क्या हो गया, कंट्रास्ट है। विरोध होने के लिए विरोध में कैसा कंजंक्शन लगाते हैं, बट लगाते हैं, येट लगाते हैं, तो हमको बट मिल गया, लगा लो। विकास तो कारण बताने के लिए लगता है ना, तो विरोध के लिए फॉर लगता है, बट लगता है, सॉरी फॉर कहाँ से आ गया, तो विरोध के लिए बट लगता है, इसलिए बट लगाओ। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक पोर्शन को अंडरलाइन किया हुआ है, देखें क्या लिखा है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, अगर इसको बदलने की ज़रूरत हो बदलो, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन। पढ़ के देखते हैं, वी मेड श्योर, हमें यकीन था, और न्यू हाउस, ठीक है, वी मेड श्योर और न्यू हाउस। लिखा है वर क्लोजर, वर किसके लिए लगाए हो, न्यू हाउस के लिए, न्यू हाउस सिंगुलर है तो वर तो होगा नहीं भाई, न्यू हाउस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर प्लूरल है, तो पहली बात यहाँ क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्लोजर टू, अब क्लोजर कंपेरेटिव डिग्री की क्या ज़रूरत है, पॉजिटिव डिग्री की ज़रूरत है, तो क्या लगा दोगे, क्लोज टू लगा दो, ठीक है, अगो प्राइमरी स्कूल, तो क्लोज टू, वाज क्लोज टू क्या लगाना होगा, पहली बात वाज लगेगा, उसके बाद क्लोज लगेगा, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है, वर तो लगा ही नहीं था, वर उसके बाद ये क्लोजिंग नहीं होगा, क्लोज टू लगेगा, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि द सिचुएशन टर्न अगली, टर्न अगली का मतलब क्या हुआ, बदतर हो गई, जो सिचुएशन क्या है वो बदतर हो गई, कब हो गई, एज मैनेजर द क्राउड डैश टू राइट, राइट मतलब ये वाला कौन सा राइट है, दंगा फसाद बवाल जो भी समझ लो, ठीक है, सब एक ही बतिया है यार, चाहे जो समझो। तो जब क्राउड ने, भीड़ ने दंगा शुरू कर दिया, तो अब चूंकि कहानी पास्ट में चल रही है, एक बार फिर से देखो कहानी कहाँ है, पास्ट में, ये टर्न क्या है, पास्ट में, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो दंगा कब शुरू हुआ होगा, ये भी पास्ट में ही शुरू हुआ होगा, जाहिर सी बात है, तो बिगिंस नहीं होगा, बिगिन थर्ड फॉर्म हो गई ये, तो ये भी नहीं लगेगा, तो बिगिनिंग आईएनजी फॉर्म है, तो क्या लगाओगे, ये बिगेन लगा पाओगे, और क्या, कोई चांस ही नहीं है, चौथा नंबर हुआ, ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहे हैं, साइनोनिम पूछ रहे हैं, किसका साइनोनिम पूछ रहे हैं, ये एलिविएट का पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो, सम सिंपल चेंजेज इन ईटिंग हैबिट्स, अगर अपने खाना खाने की आदत में कुछ थोड़े मोड़े चेंज कर लो, बड़े सिंपल सिंपल से चेंज कर लो, तो कैन एलिविएट नौसिया, नौसिया का मतलब क्या होता है, उल्टी आना, जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि वोमिटिंग फील हो रही है, वही है उल्टी करने वाला जैसी फीलिंग आती है, तो उसी को नौसिया फीलिंग कहते हैं, तो नौसिया फीलिंग एलिविएट हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो अगर खाने पीने की आदतों में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो, तो जो उल्टी होती है, उस उल्टी होने की फीलिंग, वो जो फील होता है वो कम हो जाएगा, एलिविएट, तो इसका क्या करना है, साइनोनिम देना है।
तो कम करने के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे बोलो? शार्पेन तो बढ़ा देगा, तेज कर देगा, एंटोनीम हो जाएगा, प्लेग भी बढ़ा देगा, ये ज़्यादा ये गड़बड़ हो जाएगा, एग्जासरबेट ये होता है बदतर कर देना, तो स्थिति को और ख़राब कर देना, बदतर कर देना, तो ये भी एंटोनीम हो जाएगा। रिलीव का मतलब क्या होगा? राहत दे देगा, तो यही होगा, ठीक है, ये साइनोनीम में आएगा। एलिविएट करना मतलब क्या होगा? राहत देना, सूद करना, तो रिलीव करेगा आपको, ठीक। चौथा नंबर हो गया, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एडियम है, ठीक है। एडियम कौन सा दिया हुआ है? चेज रेनबोज। रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष होता है भैया। इंद्रधनुष का पीछा करो, करो जाओ आसमान में उड़ो, तो नहीं हो सकता। ऐसे एक वर्ड होता है वाइल्ड गूज चेज, दो तीन वर्ड ऐसे हैं, वाइल्ड गूज चेज, जंगली हंस है उसका पीछा करोगे तो कद्दू नहीं हाथ में आएगा तुम्हारे। तो वाइल्ड गूज चेज मतलब क्या हुआ? एक निरर्थक प्रयास करना, फिजूल का काम करना जो मिलने वाला नहीं, इसमें कुछ अनरियलिस्टिक। तो चेज रेनबोज मतलब भी वही है, बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। टू बी अनप्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बिल्कुल नहीं। लूज वंस पेशेंस बिल्कुल नहीं। परसू अनरियलिस्टिक गोल्स, एक ऐसे गोल को परसू कर रहे हो जो रियलिस्टिक ही नहीं है यार, काल्पनिक दुनिया में खो रहे हो, काल्पनिक गोल का पीछा कर रहे हो जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो यही थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जज समवन ये बिल्कुल नहीं होगा, तो 14 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या है? एडीएम का क्वेश्चन है, ठीक। होल्ड समवन आर समथिंग एट बे। होल्ड समवन आर समथिंग एट बे इसका मतलब क्या होता है? कि किसी को मतलब करीब ना आने देना। होल्ड समवन आर समथिंग मतलब किसी को करीब ना आने देना, किसी को बहुत पास ना आने देना, यही होता है, करीब ना आने देना या किसी को थोड़ा सा दूर रखना, ये हो जाएगा। तो ट्रैप अ पर्सन कॉर्नर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे लिखा है टू सीक पनिशमेंट, ये भी नहीं होगा। लिखा है प्रिवेंट समवन आर समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, तो किसी को करीब आने से प्रिवेंट करना, रोकना, यही आंसर हो जाएगा। थ्राइव ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीसरा वाला आंसर हो गया इसका। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि देखो, लिखा है सेंटेंस में आई डैश विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आपने किसी को इनवाइट किया पार्टी वगैरह पे, अपने बर्थडे पे इनवाइट किया, वो आदमी थोड़ा पीपा के आ गया, मतलब पीपा के थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही पीपा के आ गए, अब समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हंगामा करेंगे, बदतमीजी करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद आपको ये फील हो रहा है, काश यार इनको ना ही बुलाए होते तो ठीक था, हमने इनको क्यों बुला लिया। तो ऐसी जब फीलिंग आती है तब उसी सिचुएशन का ये सेंटेंस है, आई विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं। अगर इस फिलर को हम छोड़ भी देते हैं तो आई विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम करेक्ट है, यही फीलिंग है इसमें कि काश हम उनको ना बुलाए होते। पर अगर इसमें कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा तो कौन सा लगेगा? आई आलमोस्ट विश, आई आलमोस्ट विश, आई अबाउट विश या आई एल्स विश, आई नॉट विश नहीं होगा, आई आलमोस्ट विश, करीब करीब, मतलब इस समय करीब करीब मेरी ये इच्छा है कि वो ना आए होते। तो आलमोस्ट यहाँ पे लग सकता है और कोई लग ही नहीं पाएंगे, बाकी सब एकदम से गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहे हैं? एंटोनीम पूछ रहे हैं। किसका एंटोनीम है? एलिविएट है। तो एलिविएट बहुत बार आ चुका है यार क्वेश्चन में, आज ही वाले में हमको लगता है एक दो बार आ गया। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? सूद करना, राहत देना किसी चीज़ में, जो आपको मान लीजिए दर्द वर्द हो रहा है तो राहत। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये तो सिमिलर में हो जाएगा। एमिलियरेट ये भी कम करने के लिए लगता है, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। अग्रावेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, उकसा देना, मतलब आग में घी का काम करना, ठीक है, जले पर नमक छिड़कना, तो अग्रावेट करना बढ़ा देगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, यही एंटोनीम है। और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ 18 पर। तो 18 में क्या है? 18 कह रहा एरर का क्वेश्चन है। तो पहले सेंटेंस पढ़िए फिर एरर निकालिए। शी इज ब्रेव देन एनी अदर गर्ल इन द ऑफिस, ठीक है। ऑफिस में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें वो सबसे ब्रेव है। तो शी इज ब्रेव देन, ये देन लगा हुआ है, देन का मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, तो ब्रेव शुड हैव बीन ब्रेवर, ब्रेवर देन, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना यहाँ पर। तो गलती कहाँ हो गई? ये पहले वाले में गलत हो गया, ठीक है। अब और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्या है? अंडरलाइन किया हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट की कहानी हो सकती है, तो ये लिखा है इम्प्रूवमेंट, चलो अच्छा। व्हाई आर यू लुकिंग,
वाई आर यू लुकिंग, कहाँ देख रहे हो, बात तो सही है, डैस माई फेस लाइक दिस, इस तरह मेरे चेहरे को घूर घूर कर कहाँ देख रहे हो। तो ये लुक के बाद क्या लगेगा, किसी चीज़ की ओर देख रहे हो तो लुक एट होता है, लुक ऑन नहीं होता। तो यहाँ होगा वाई आर यू लुकिंग एट, एट ये है लुकिंग एट माई फेस, तो चौथा वाला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लुक डैट लिखा हुआ गलत हो जाएगा, लुकिंग के बाद ऑन लगना नहीं था, तो ये वाला चौथा वाला आंसर आपका ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। चलो देखते हैं किस किस की गलत है स्पेलिंग। वेंटिलेशन, एक तो वेंटिलेशन गलत है, ठीक है। सिस्टम सही है, इज सही है, मिसिंग गलत है, इन दिस रूम, ठीक है। तो वेंटिलेशन की स्पेलिंग क्या होगी, वी ई एन टी आई एल ए टी आई ओ एन होता है, ये वेंटिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी के बाद आई होना चाहिए था। दूसरी बात, मिसिंग में क्या होता है, डबल एस होगा, एम आई डबल एस आई एन जी, मिसिंग होगा। तो पहले मिसिंग देखो, मिसिंग ये गलत है और ये गलत है। अब बची आपकी दो स्पेलिंग है। अब वेंटिलेशन में आ जाओ तो कौन सा सही हो जाएगा, वेंटिलेशन सिस्टम, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, इनमें सोचना ही नहीं है। अब ये वाला वेंटिलेशन बचा और ये वाला वेंटिलेशन बचा, तो ये वाला वेंटिलेशन गलत ही हो गया। तो फिर हमारे पास क्या बचा, तीसरा वाला आंसर बचा, और कुछ है ही नहीं, काम हो गया हमारा। ठीक, आ जाओ 21 पे। तो 21 से 25 तक की कहानी क्या होती है, आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। आगे बढ़ें, हम लोग पैसेज पढ़ें, और ये रहा हमारा पैसेज और नीचे दिया हुआ है फिलर, ठीक है। आ जाओ, लिखा आंट्स, चींटियाँ, लाइक मोस्ट इंसेक्ट्स, दूसरे और कीड़े की तरह, इंसेक्ट्स की तरह हैव, क्या इनके पास होता है, कंपाउंड आईज होती हैं, ठीक है, कंपाउंड आईज होती हैं। आगे इन्होंने लिखा है इनके पास कंपाउंड आईज होती है, फिर इन्होंने कहा कि डैश आर नोन एज, जिन्हें कंपाउंड आईज के रूप में जाना जाता है। तो क्या चीज़ है, मतलब उनके पास क्या चीज़ होती है जिन्हें कंपाउंड आईज के रूप में, एंटीसीडेंट दिया नहीं है, तो हुज आर नोन एज, हाउ आर नोन एज, हु आर नोन एज, हु लगेगा इन्हीं चींटियों के लिए, व्हाट आर नोन एज, आँखों के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट आर नोन एज, जो कंपाउंड आईज के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कंपाउंड आईज के रूप में जाना जाता है। तो हु केवल आदमियों के लिए लगता है ना, तो आँखों के लिए क्या लग सकता है, व्हाट लग सकता है, और कोई लगेगा नहीं। आगे आ जाओ, दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि देयर आइज हैव मल्टीपल लेंसेज, कंपाउंड आइज होने का मतलब क्या होता है, उनकी आंखों में कई कई लेंस लगे होते हैं, एक आंख में दो तीन लेंस लगे होते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि काश हमारी भी ऐसी आंखें होती कहें होंगी, वो भगवान ने, नेचर ने हर किसी को उसके काम के अकॉर्डिंग दिया है ना। चलो अच्छा, डैश इन जनरल, ठीक है, डैश इन जनरल मोस्ट स्पीसीज ऑफ आंट डू नॉट हैव पर्टिकुलर ग्रेट आइज। लो, पहले कह रहे हैं मतलब कई आँखियों के, कई मतलब कई चींटियों के कंपाउंड आइज होते हैं, फिर कह रहे हैं कि ज़्यादातर मोस्ट स्पीसीज के नहीं होते, तो विरोध में आ गए, विरोध में आ गए, तो यहाँ क्या लगाओगे, बट या ये ऐसा कोई, यहाँ पे 22 के लिए लगाओगे, टू के। अगला आ जाओ, फार सीइंग डैश फार, दूर देखने के लिए, तो यहाँ फार लगा हुआ है दूर, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरी फार, ज़्यादा दूर देखने के लिए, तो यहाँ पे वेरी जैसा कुछ लग जाएगा। आंट्स कैन डिटेक्ट मूवमेंट एंड सी द एरियाज अराउंड देम, चींटियाँ अपने आसपास के एरिया को, मतलब मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेती हैं और देख लेती हैं। बट डैश मोर ऑन सेंसेज, लेकिन ये ज़्यादातर सेंसेज पर डिपेंड करती हैं। डैश ऑन, ऑन लगा हुआ है, तो कोई ऐसी चीज़ लगाना है यहाँ जिस पर ऑन लगेगा, जिसके साथ, और यहाँ डिपेंड करने के लिए लगेगा, तो क्या क्या होगा, बट डिपेंड्स मोर ऑन सेंसेज, यहाँ डिपेंड जैसा कुछ होगा। एंड इन्फॉर्मेशन दे गेट फ्राम देयर लेग्स एंड एंटीना, जो उनको उनके पैरों और उनके एंटीना से सेंसेज मिलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं देन फ्राम आइज, आँखों से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, तो यहाँ मोर लगा ही है, तो मोर के पैर में लगा तो क्या करना है, ठीक है, यहाँ क्या लगाओगे, दो चीज़ें आ गई, एक हो गया लेग और एंटीना से जो उनको सेंस मिलता है, और एक आँखें हो गई, दोनों में कंपेयर करने के लिए मोर लगा हुआ, तो यहाँ देन लगा दोगे और क्या कहानी ख़त्म हो गई। तो चलिए भरते हैं एक एक करके इनको। तो पहला फिलर तो इसका हम लोग भर ही चुके हैं, क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरे वाले में हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका दूसरा फिलर, क्या भरना है इसमें, डिस्कशन इसके पहले ही कर चुके हैं।
चींटियों के आंखों में क्या होता है? दिस मीन्स देयर आइज है मल्टीपल लेंसेज डैश इन जनरल, फिर कह रहे हैं इन जनरल मोस्ट स्पेसीज आन डू नॉट हैव, तो मतलब क्या हुआ उल्टा इसका, ठीक बोले, ज़्यादातर के होता है मल्टीपल लेंसेज और ज़्यादातर में नहीं होता, तो दोनों में यही बोल दिया इन्होंने, तो ये विरोध में जा रहा है ना, तो उल्टा चलेंगे, उल्टे में क्या लगाओगे आप, बट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेदर और शो तो लगाना नहीं है, कारण परिणाम तो है नहीं, तो बट लगाना होगा। तीसरे वाले में आ जाओ, तीसरा क्या कह रहे हैं जी, तीसरे में इन्होंने कहा कि सीइंग डैश फार, मतलब दूर देखने के लिए, मतलब ज़्यादातर में डबल लेंस वाले या मल्टीपल लेंस वाले आँखें नहीं होती हैं दूर देखने के लिए, तो दूर देखने के लिए क्या लगाओगे, सम फार लगाओगे ना, मेनी फार, फार मेनी संख्या में तो है नहीं, एनफ फार या वेरी फार, तो क्या लगाओगे वेरी फार, बहुत दूर देखने के लिए उनके पास क्या होती हैं मल्टीपल लेंस वाली आँखें नहीं होती हैं ज़्यादातर के पास। आगे आ जाओ, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 फिलर का, ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, बट डैश आन, तो मैंने यहाँ कहा था ना कि वो जो चींटियाँ हैं अपने आसपास के माहौल को डिटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन अपने पैरों से और अपने एंटीना से डिटेक्ट करती हैं, ठीक है, तो अपने वो पैरों और एंटीना पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं पैरों की अपेक्षा, तो यहाँ डिपेंड करने के लिए क्या लगाओगे, कैलकुलेटिंग आन या साउट आन या स्ट्रगल आन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा रिलाई आन, मतलब डिपेंड करने के लिए, रिलाई की मीनिंग क्या होती है, डिपेंड करना होता है, ठीक है, तो ये तीसरा वाला लग जाएगा। अब अगले वाले में क्या लगाओगे, देखो मैं इसके पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है मोर, तो यहाँ क्या लगाओगे देन लगाओगे, इसी के रिलेशन में लगाना है दो चीज़ों के, तो कौन सा लगेगा, ये देन लगेगा, ये वाला देन या वेन और दस नहीं लगेगा, क्लियर हो गई बात, चलो ठीक है। तो ये हम लोग 12 जुलाई का पेपर पूरा हो गया, ठीक है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 12 जुलाई फिनिश, 12 जुलाई 2022 का पेपर फिनिश हो चुका है, कल से हम लोग शुरू करेंगे कौन सा, 13 जुलाई के 3 पेपर होंगे, ठीक है, ऐसे ही एक एक करके धीरे धीरे निपटते चलेंगे, हम लोग डेली एक पेपर कर ही रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में हमको बताइएगा, जैसा कि मैंने शुरू शुरू में कहा था, देखें कि ये डिस्कशन से आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में हम लोग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।